हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगन वंस अगेन। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग पाउडर का यूज़ करते होंगे और महिलाओं के लिए तो पाउडर बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ हो चुकी है, क्योंकि उनके एक ब्यूटी प्रोडक्ट में पाउडर इस्तेमाल जरूरी ही होता है। तो दोस्तों, वह काफ़ी सारे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं पाउडर के फॉर्म में, पर दोस्तों उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है वाइट टोन पाउडर। तो दोस्तों, आज हम उसी वाइट टोन पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या है पूरी तरीके से सेफ है या फिर है आपकी स्किन को पूरी तरीके से खराब भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वाइट टोन पाउडर का फुल रिव्यू करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स आ रही थी कि वाइट टोन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। उससे पहले, अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जो नीचे बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको तुरंत से लाल कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, समझेंगे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आपको 75 रुपीज़ का मिलता है, जो कि 50 ग्राम की पैकिंग में आता है। दोस्तों, अब अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स सेफ हैं, पर दोस्तों इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया है उससे आपको ड्राई स्किन हो सकता है, स्किन इरिटेट हो सकती है, या फिर आपकी अगर आँख में जाता है तो आपकी आँख में रेडनेस आ सकती है, आपकी आँखों से आंसू आ सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपकी आँखों में इरिटेशन भी हो सकता है। दोस्तों, अब अगर इसके पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मिलाया गया है टेल्क, एल्यूमिनियम स्टार्च, कैल्शियम कार्बोनेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, माइका एल्यूमिनियम, सिलिका, परफ्यूम, डाइमिथिकॉन, विनाइल, क्रॉस पॉलीमर। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली केवल दो ही चीज़ें हैं, एक तो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी के साथ दोस्तों जो परफ्यूम मिलाया गया है, भाई भी नहीं बताया कि परफ्यूम के रूप में क्या मिलाया गया है, तो यही भी आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। पर दोस्तों, इस प्रोडक्ट को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं मिलाए गए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ऐसे ही केमिकल मिलाए गए जो कि आपको ज़्यादा हार्म नहीं करते, जो कि ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बार बता देना चाहता हूँ कि आप इसको रेगुलर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो यह आपके चेहरे को ड्राई बना सकता है, और दोस्तों इसी के साथ साथ आपके चेहरे को थोड़ा ख़राब कर सकता है। दोस्तों, आप लोग इसको ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आई होप आपको यह पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।